जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। सीपीसी का हम लोग ऑर्डर 36 आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। विच डील्स विद अ सूट रिलेटिंग टू द मॉर्टगेज ऑफ इमल प्रॉपर्टी। इमल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख देते हो, जिसको हम लोग मॉर्टगेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा टॉपिक है बेसिकली वो इमल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। मोबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग 36 जो ऑर्डर है वो डील नहीं कर रहा, सिर्फ जो है वो इमोबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं जो हमने मॉर्टगेज की है, ठीक है जी। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ए ही इज द ओनर ऑफ 3 acre लैंड एंड ही इज इन नीड ऑफ 5 lakh रुपीज, उसको 5 lakh की जरूरत है। तो उसने 3 acre लैंड जो है वो बी को मॉर्टगेज कर दी एंड बी जो है उसको 5 lakh रुपीज दे रहा है। तो ही इज कॉल्ड अ मॉर्टगेजर, द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द लैंड जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है एज अ सिक्योरिटी टू बी, ठीक है। ये ए इज अ मॉर्टगेजर एंड बी इज अ मॉर्टगेजी जो पैसे दे रहा है, राइट। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट बात है, जो मॉर्टगेजर है उसके पास राइट है राइट ऑफ रिडेम्पशन का, अपनी प्रॉपर्टी पैसे देकर वापस लेने का जो राइट है इट इज कॉल्ड राइट ऑफ रिडेम्पशन एज पर सेक्शन 60 ऑफ द टीपी एक्ट। वो भी डील कर रहा है कि राइट ऑफ रिडेम्पशन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है मींस अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का जो अधिकार है वो पैसे देकर ही लोगे आप, अलोंग विद द इंटरेस्ट जो है वो उसको पे करोगे, 5 lakh प्लस इंटरेस्ट उसको पे करोगे और अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लोगे। एंड दिस पर्सन दिस मॉर्टगेजी ही हैज अ राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड द सेल ऑफ इमल प्रॉपर्टी इन केस अगर मॉर्टगेजर पैसे नहीं दे रहा जो टाइम फिक्स किया गया उस टाइम के अंदर भी वो पैसे नहीं दे रहा तो वो राइट ऑफ फोरक्लोजर कर देगा। इसका जो राइट है राइट ऑफ फोरक्लोजर मींस राइट ऑफ रिडेम्पशन को खत्म किया जाए। तो ये जो है बेसिकली इसका राइट ऑफ रिडेम्पशन को खत्म करेगा तो वी कॉल्ड राइट ऑफ फोरक्लोजर। एंड फर्दर जो मॉर्टगेजी है वो अपने 5 lakh जो है वो प्लस जो इंटरेस्ट है वो लेने के अकॉर्डिंग वो उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है। He has a right to sell the property, but वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा कि ये मैंने 5 lakh प्लस उसका जो इंटरेस्ट इतना बन रहा है और जो है बेसिकली ये जो मॉर्टगेज है वो पे नहीं कर रहा, इसके रिगार्डिंग परमिशन दी जाएगी मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे ले सकूं। तो दिस इज द बेसिकली द थिंग, मॉर्टगेजर एंड द मॉर्टगेजी, राइट ऑफ रिडेम्पशन जो है वो मॉर्टगेजर का राइट है, राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड द सेल ऑफ द सेड मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज द राइट ऑफ द मॉर्टगेजी, ठीक है जी। तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। जो 36 ऑर्डर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है जी। जितने हम लोग कोशिश करेंगे सारा आज कंप्लीट कर दें, एक या दो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो रूल 1 है वो सिंपल सी बात कर रहा है कि पार्टी टू सूट फॉर फोरक्लोजर सेल एंड रिडेम्पशन, तीनों वर्ड यूज कर रहे हैं, सेल फोरक्लोजर और राइट ऑफ रिडेम्पशन का अगर आप सूट फाइल कर रहे हो, ठीक है जी। तो वहां पे वर्ड लिखा है कि ऑल पर्संस हैविंग एन इंटरेस्ट, जितने भी पर्सन्स हैं जिनका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ठीक है जी, आइदर इन द चाहे वो मॉर्टगेज सिक्योरिटी है चाहे राइट ऑफ रिडेम्पशन में जो उसका राइट है, उन सभी को हम लोग पार्टी बनाएंगे उस सूट में ताकि उस सूट में कोई डिस्प्यूट रह ना जाए। तो एवरी पर्सन जो है हर पर्सन को उसको हम लोग पार्टी बना लेंगे जिस पर्सन का उस प्रॉपर्टी में राइट ऑफ रिडेम्पशन में राइट ऑफ फोरक्लोजर में राइट ऑफ सेल में इंटरेस्ट है, उन सभी को हम लोग पार्टी बनाएंगे ताकि ऑब्जेक्शन जिनका इंटरेस्ट है उनके ऑब्जेक्शन भी सुन लें और वहीं पे हम लोग उसको रिजॉल्व करके बात खत्म करते हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं। फर्दर जो जो एक्सप्लेनेशन वर्ड लिखी है, एक्सप्लेनेशन में पॉइजन वो वर्ड यूज किया, पॉइजन हे वी कॉल सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज, इसको हम सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज भी बोलते हैं, पॉइजन पॉइजन मॉर्टगेज, ठीक है। इसको हम सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज भी बोलते हैं। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस 3 acre लैंड, ठीक है जी, ये जो 3 acre लैंड है ये सपोज जरूरी है कि मॉर्टगेज की हम लोग बात करें भी, हम नंबर ऑफ काइंड ऑफ मॉर्टगेज, सिंपल मॉर्टगेज भी है, यूसुफ स्ट्रक्चर मॉर्टगेज भी है, ठीक है जी, कंडीशनल मॉर्टगेज भी है जिसको हम कंडीशन सेल भी बोलते हैं, एनमस मॉर्टगेज भी है, इंग्लिश मॉर्टगेज भी है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। तो कई ऐसे मॉर्टगेज हैं जिसमें पोजेशन देने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे आप प्रॉपर्टी इमल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर देते हो बट उसमें पोजेशन नहीं देते। तो सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, सिंपल मॉर्टगेज में दिस मॉर्टगेजर जो है उसने 5 lakh रुपया लिया और सिक्योरिटी के बदले में 3 acre लैंड वो मॉर्टगेज कर दी, लेकिन पोजेशन उसी के पास है, ए के पास है, इट्स अ सिंपल मॉर्टगेज, ठीक है जी, पोजेशन नहीं दे रहा। नाउ व्हाट हैपेंड, 5 lakh इससे बी से ले लिए,
एंड ही अगेन थॉट कि मुझे अभी जरूरत है और पैसों की, तो इसने जो है वो सी को भी उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया 3 acre लैंड को, और उसे 3 lakh rupees और ले लिए। दिस पर्सन सी इज अ पॉइजन मॉर्गेज, ठीक है, सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। तो इसलिए ये जो एक्सप्लेनेशन है उसमें वर्ड लिख लिया, वर्ड लिखा होगी बेसिकली द पॉइजन मॉर्गेज मे सू फॉर फॉरक्लोजर ऑफ फॉर सेल विदाउट मेकिंग द प्राइम मॉर्गेज अ पार्ट टू द सू। अब ये सी है, सपोज अब सी को जरूरत है कि भी मुझे पैसे मेरे वापस चाहिए, यहां पर इसने सूट फाइल नहीं किया, बट ही हैज अ राइट टू फाइल अ सूट, ये सूट फाइल कर सकता है कि मेरा राइट ऑफ फॉरक्लोजर जो उस प्रॉपर्टी को सेल करके मेरी जो पैसे वो मुझे वापस दिलाए जाए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो ये डायरेक्ट सूट फाइल कर सकता है ए के अगेंस्ट, और बी को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है उस केस में। वहां पर स्पेशल वर्ड लिखा है विदाउट मेकिंग द प्रायर मॉर्गेज अ पार्टी टू द सूट, यहां पर इसको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं हो, ठीक है जी। एंड अ प्रायर मॉर्गेज नीड नॉट बी ज्वाइन, उसको जरूरत नहीं है वो उसको जरूरत नहीं है कि वो ज्वाइन कर ले इन अ सूट टू रिडीम अ सब्सिक्वेंट मॉर्गेज, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर सब्सिक्वेंट रिडम्पशन, अगर ये पर्सन राइट ऑफ रिडम्पशन यूज कर रहा है, इफ ही वॉन्ट्स कि मैं इसके 3 lakh वापस करके मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूं, तो वो उसको राइट ऑफ रिडम्पशन कहते हैं। अब मॉर्गेज राइट ऑफ रिडम्पशन सी के अगेंस्ट यूज कर रहा है, तो इसमें बी को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो वहां से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेगा, तो बी जैसे मर्जी सूट फाइल कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पॉइजन मॉर्गेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देन वी हैव रूल नंबर 2, इट सिंपली सेज द प्रीलिमिनरी डिक्री इन ए फोरक्लोजर सूट। अब फोरक्लोजर सूट किसका राइट है? मॉर्गेज का, ठीक है जी, मॉर्गेज का राइट है। तो इसमें प्लेंटिव कौन होगा? मॉर्गेजी होगा, मॉर्गेजी प्लेंटिव होगा, ठीक है जी। तो वो सूट फाइलेगा कि मेरे फोरक्लोजर का अधिकार जो है वो मुझे दिया जाए। वहां पे बोल लिखा है सेकंड रूल में, इफ द प्लेंटिव सक्सीड, अगर मॉर्गेजी सक्सीड हो गया, जीत गया केस को, ठीक है जी, तो कोर्ट शैल पास द प्रीलिमिनरी डिक्री, और कोर्ट जो है वो प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर देगा और ये ऑर्डर कर देगा कि इन दोनों में बेसिकली मॉर्गेजी को कहेगा बेसिकली आप अपना प्रॉपर अकाउंट मेरे पास लेके आओ कि कितना अमाउंट आपने दिया था, कितना इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, उसका प्रॉपर पूरा जो है पूरी डिटेल मेरे पास सबमिट करो। वहां पे बोलेगा ऑर्डर दैट अकाउंट बी टेकन ऑफ व्हाट वाज ड्यू टू द प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ को कितना अमाउंट ड्यू है वो बताया जाए, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट उस पर कितना है, कॉस्ट ऑफ सूट भी कितनी होगी ऑन द मॉर्गेज, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द सूट, या अदर कॉस्ट है चार्ज के रिगार्डिंग, चाहे अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए हैं किसी पार्टी द्वारा उस मॉर्गेज के रिगार्डिंग, तो वो सारे खर्चे मिला के अब कितना अमाउंट जो है वो मॉर्गेज को चाहिए, वो सारा प्रीलिमिनरी डिक्री हम लोग पास कर देते हैं। प्रीलिमिनरी डिक्री मीन्स ताकि हम लोग ये असर्टन कर सकें कि बेसिकली कितना अमाउंट ड्यू है, ठीक है जी। तो प्रीलिमिनरी डिक्री जो पास हो जाती है कि इन दोनों में ये फाइंड आउट करने के लिए कि बेसिकली कितना अमाउंट है, जब अमाउंट हो गया कि इतना है तो उसके बाद कोर्ट फाइनल डिग्री पास कर देगी, ठीक है जी। तो दिस इज द मेन पॉइंट जो रूल नंबर 2 में है। रूल 2 में जो बी पॉइंट दिया है, डिक्लेयरिंग द अमाउंट सो ड्यू एट दैट डेट, कोर्ट जब ऑर्डर फाइन कर रहा है, जब ऑर्डर प्रीलिमिनरी डिग्री फाइन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है प्रीलिमिनरी डिग्री, तो उस समय कोर्ट भी ऑर्डर कर सकते कि इतना अमाउंट ड्यू है, ठीक है जी, आप इसको दे दो। और यहां पे डायरेक्टिव वर्ड लिखा है थर्ड सी पॉइंट में कि डायरेक्शन दे देगा कोर्ट, डायरेक्टिंग दैट दैट इफ डिफेंडेंट पे इनटू द कोर्ट। अब यहां पे फाइनल हो गया कि हां भी इतना 5 lakh rupees प्लस 1.5 lakh rupees जो है वो इंटरेस्ट है, प्लस 500 rupees जो है वो कॉस्ट है, इतना जो है मॉर्गेज जी को पैसा देना है ए ने, ठीक है जी। अब यहां पर कोर्ट ए को डायरेक्शन दे देगा सी पॉइंट में, जो यहां पर डायरेक्शन दे रहा है कि आप पे कर दो कोर्ट में। अब इफ दिस पर्सन, क्योंकि हम लोग फोरक्लोजर का राइट यूज कर रहे हैं, तो फोरक्लोजर मीन्स प्लेंटिव मॉर्गेज, अब डिफेंडेंट अगर पे कर रहा है कोर्ट में तो बात ही खत्म होगी, ठीक है जी। इफ ही पे द अमाउंट, तो डेफिनेटली जब आप पे कर रहे हो देयर आफ्टर, तो कोर्ट आपके रिगार्डिंग क्या कहेगा कि आप इसको कह देगा प्लेंटिव को कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े हैं वो आप वापस इसको कर दो, क्योंकि ही इज द ऑनर, अगर उसने आगे पैसे वापस कर दिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अलॉन्ग द कॉस्ट अगर आपको दे रहा है, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप उसको वापस कर दो। कोर्ट से कहेगा अगर आपके पास पोजेशन डिलीवरी है, प्रॉपर्टी का पोजेशन आपके पास है, तो आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी इसको दे दो, ठीक है। तो कोर्ट ये कह सकती है टुगेदर विद द सब्सिक्वेंट ट्रस्ट प्लेंटिफ शैल डिलीवर अप टू द डिफेंडेंट और सच पर्सन एज द डिफेंडेंट अपॉइंट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन
और पावर रिलेटेड टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड शैल इफ सो रिक्वायर रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी. क्योंकि कई केसेस में लाइक कंडीशन सेल, इंग्लिश सेल, एनिमल सेल, उसमें यहां पर मॉर्गेज को हम लोग सेल कर देते हैं, राइट? ऑस्टेंसिबल सेल होती है कंडीशनल सेल में. तो ये बेसिकली मॉर्गेज ये वो एक टाइम का ऑनर बन जाता है. तो जब ये पैसे इसको वापस कर देता है तो कोर्ट इसको ऑर्डर कर सकती है मॉर्गेज को, आप इसको रीट्रांसफर कर दो प्रॉपर्टी मॉर्गेज को. तो रीट्रांसफर करने के भी ऑर्डर दे सकती है, ठीक है जी. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ सेकंड पॉइंट में बोल लिखा है इफ दिस पर्सन फेल्स टू ऑबे द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट. अगर ये पैसे पे नहीं कर रहा कोर्ट को, सिंपल, अगर पैसे नहीं आप दे रहे हो तो वहां पे कोर्ट के पास पावर्स है. इफ अमाउंट ऑफ द जो अमाउंट है डिक्लेयर कोर्ट ने किया है इज नॉट मेड, अगर वो पे नहीं कर रहा, ठीक है जी, जब डिफेंडेंट फेल हो गया वो जो पे नहीं करता, तो प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द फाइनल डिक्री. तो कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करेगा कि सर प्रीलिमिनरी डिक्री आपकी हो चुकी है, इतना अमाउंट आपने कहा था कि इसको मॉर्टगेजर को भी मुझे दे दो, अगर इंस्पाइट ऑफ डैट ऑर्डर जो मॉर्टगेजर है वो मुझे पे नहीं कर रहा, तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है. वहां पे लिखा है लास्ट में द कोर्ट द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द फाइनल डिक्री डिबारिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम ऑल द राइट टू डीम द प्रॉपर्टी. अब वो कोर्ट से कहेगा सर इसने अभी भी मुझे पेमेंट नहीं दी, प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो चुकी है लेकिन स्टिल ही डिडंट जो पे द अमाउंट टू मी. नाउ अब जो इसका राइट है, राइट ऑफ रिडम्पशन, द राइट ऑफ द मॉर्टगेजर, वो अब उसका राइट खत्म कर दो. अब वो मेरे अगेंस्ट राइट ऑफ रिडम्पशन नहीं यूज कर सकता. इसी राइट को हम लोग राइट ऑफ फोरक्लोजर बोलते हैं. फोरक्लोजर मीन जब्त कर लेना, उसका अधिकार राइट ऑफ रिडम्पशन को खत्म करना ही फॉर राइट ऑफ फोरक्लोजर, ठीक है जी. तो ये इंपॉर्टेंट है. सब रूल टू क्या कह रहा है, रूल टू का सब रूल टू क्या कह रहा है, द कोर्ट में, अभी यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है वो कोर्ट से कि इसने अभी भी मतलब आफ्टर द प्रीलिमिनरी डिक्री उसने मुझे पैसा वापस नहीं दिया, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि उसका जो राइट ऑफ रिडम्पशन है वो राइट उसका खत्म कर दो. अब कोर्ट की मर्जी है, इट इज द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट. वो राइट ऑफ रिडम्पशन खत्म भी कर सकती है या मॉर्टगेजर को टाइम भी दे सकती है, फर्दर एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है 30 days और ले लो, फर्दर 30 days और ले लो. कि हो सकता है, कोर्ट को लगता है कि हो सकता है कि मॉर्टगेजर इज विलिंग टू पे द ऑल द अमाउंट्स अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द कोर्ट. अगर वो विलिंग है तो कोर्ट उसको टाइम दे सकता है, इट इज द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट ऑटोमेटिकली आपको अलाउ कर देगा. सब रूल थ्री क्या कह रहा है, वेयर एंड सूट फॉर फोरक्लोजर सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज और पर्सन ड्राइविंग टाइटल और सबरोगेटेड ऑफ द पार्टीज ऑफ एनी सच मॉर्टगेज आर जॉइंट एज पार्टीज. अगर कोई पार्टी फोरक्लोजर में अगर ये पार्टी बन गया, सी ने भी फाइल कर देगी मैं भी पार्टी हूं, मेरा इंटरेस्ट ना कहीं खराब हो जाए, ठीक है जी, तो वो भी पार्टी बन गया सूट में. उसके बाद द प्रीलिमिनरी डिक्री शैल प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव राइट. अब कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट क्या कह रही है कि बेसिकली अब फाइनल जो ऑर्डर होगा, अगर राइट ऑफ फोरक्लोजर का राइट को जो ऑर्डर होगा, लॉ कहता है कि अगर ड्यूरिंग दिस केस, क्योंकि इस ऑर्डर को फाइनल होने से पहले अगर कोई पार्टी और ऐड हो गई उस केस में, लाइक सब्सिक्वेंट जो है बेसिकली जो पाइजन मॉर्टगेज है वो ऐड हो गया कि मुझे मेरा भी इंटरेस्ट है जी, अब ये प्रॉपर्टी अगर सेल कर देगा या फॉर्टगेज करेगा तो मेरा इंटरेस्ट वायलेट हो जाएगा, अब मुझे भी पार्टी माना जाए, तो इसको पार्टी माना जाएगा और कोर्ट जब भी फोरक्लोजर का या सेल का ऑर्डर करेगी तो इसके इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करके ही करेगी. इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, जिसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है. तो ये हमारा जो था रूल नंबर टू था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. एंड जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या कह रहा है कि फाइनल डिक्री इन फोरक्लोजर, फोरक्लोजर में फाइनल डिक्री कब होगी. पहला हमारा रूल सेकंड क्या था, प्री नंबर डिग्री का. अब रूल थ्री क्या कह रहा है, फोरक्लोजर में फाइनल डिग्री के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. तो वहां पे वर्ड लिखा है वेयर बिफोर अ फाइनल डिक्री डिबारिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम ऑल द राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी हैज बीन पास द डिफेंडेंट मेक्स अ पेमेंट. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री नंबर डिग्री होगी इसके फेवर में मॉर्टगेज के, हां भी, और मॉर्टगेजर को डायरेक्शन दे दी कि आप 500,000 प्लस उसका जो 1.5 लाख इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट 500 आप इसको मॉर्टगेज को दे दो. अब फाइनल ऑर्डर से पहले मॉर्टगेजर का राइट ऑफ रिडम्पशन खत्म करने से पहले अगर मॉर्टगेजर पैसे दे रहा है तो बात ही खत्म होगी, ठीक है जी. तो वहां पे वर्ड लिखा है कि बिफोर, वर्ड लिखा है बिफोर अ फाइनल डिग्री, फाइनल डिग्री पास करने से पहले अगर डिफेंडेंट पेमेंट कर रहा है कोर्ट में आके, द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द डिफेंडेंट, उसके बाद डिफेंडेंट, दिस इज द डिफेंडेंट मॉर्टगेज, इज द डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट मींस मॉर्टगेजर ने पेमेंट कर दी तो मॉर्टगेजर कोर्ट में अप्लाई करेगा कि सर
प्रेंटिव मींस मॉर्टगेजी को कहो कि सारे डॉक्यूमेंट मुझे वापस कर दो, उसको कहो कि जो पेशन है उसके पास है वो प्रॉपर्टी का, मुझे प्रॉपर्टी जो पेशन है वो मुझे वापस कर दो, या उसको कहो कि प्रॉपर्टी मुझे रीट्रांसफर कर दो इन केस ऑफ कंडीशनल सेल, इंग्लिश सेल, एनिमल सेल, उस केस में जो एब्सोल्यूट सेल होती है कई टाइम्स में ऑस्टेंसिबल सेल होती है, तो कोर्ट को कहेगा वो आफ्टर द पेइंग ऑफ द ऑल द अमाउंट्स ड्यू मॉर्टगेजी को कहेगा कि सर मॉर्टगेजी को डायरेक्शन दे दो कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मुझे रीट्रांसफर कर दे, तो ये मॉर्टगेजर का राइट है। सब रूल टू क्या कह रहा है, वेयर पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, अब पेमेंट ही नहीं कर रहा, उसकी मर्जी है, अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो फाइनल तो डिग्री कोर्स पार्ट करेगी, अब फाइनल डिग्री पास कर देगी, तो कोर्ट से ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ अप्लाई करेगा कि सर अब तो ये बिल्कुल पे कर नहीं रहा, अब तो प्लीज फाइनल डिग्री पास कर दो, अब तो फोरक्लोज कर दो, उसका राइट खत्म कर दो, राइट ऑफ रिडम्पशन अब तो खत्म कर दो, अब तो तीन जो है बेसिकली हियरिंग वो भी खत्म हो चुकी है, मैं ही आ रहा हूं वो तो आई नहीं रहा, ना वो इंटीमेट कर रहा, ना उसका एडवोकेट कॉन्सल कोई कभी आगे बता रहा है क्यों नहीं आ रहा, ना ही वो विलिंग है, अब तो रिक्वेस्ट है प्लीज अब तो उसका राइट ऑफ रिडम्पशन खत्म कर दो और मेरा राइट ऑफ फोरक्लोजर अलाउ कर दो, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, ऑन एप्लीकेशन पास अ फाइनल डिग्री, अब वो डिबार कर देगा डिफेंडेंट को या जितने भी पर्सन हैं उन सभी को डिबार कर देगा कि आप मॉर्टगेज के अगेंस्ट राइट ऑफ रिडम्पशन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज योर राइट ऑफ रिडम्पशन जो है वो हमने डिबार कर दिया, खत्म कर दिया, ये दिस इज द फाइनल डिग्री, कौन से केस में, फोरक्लोजर के केस में, सिर्फ फोरक्लोज कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ फोरक्लोज कर रहे हैं, ठीक है जी, सिर्फ हमने जब्त किया उसका राइट खत्म किया। अब रूल सब रूल थ्री क्या कह रहा है, रूल थ्री का ऑन द पासिंग ऑफ द फाइनल डिग्री, अब फाइनल डिग्री पास हो गई, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं डिफेंडेंट की, ठीक है जी, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। अब सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, मॉर्टगेज थ्री एकड़ लैंड दी थी बी को, ठीक है जी, बी ने 5 लाख दिए थे ए को मॉर्टगेजर को, अब लॉ कहता है कि अगर मॉर्टगेज ने अप्लाई कर दिया राइट ऑफ फोरक्लोजर का और राइट जो है फाइनल डिग्री पास कर दी और राइट ऑफ रिडम्पशन कोर्ट का खत्म हो गया, दैट मीन्स टू से ये 3 acres लैंड है वो अब किसकी है, बी की है, अब इसमें राइट ऑफ रिडम्पशन जो है उसकी ए की लाइबिलिटी खत्म हो गई बिल्कुल, अब ए की कोई लाइबिलिटी नहीं है ये 5 लाख पे करने की, इंटरेस्ट पे करने की, कॉस्ट पे करने की, अब ए की बिल्कुल लाइबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि बेसिकली बी हैज अ राइट ऑफ फोरक्लोजर, उसने सिर्फ अपना फोरक्लोजर का राइट यूज किया, अब वो यूज करता रहेगा प्रॉपर्टी आराम से, जरूरत नहीं उसको सेल करने की, ठीक है जी, तो इसका राइट ऑफ रिडम्पशन ही खत्म हो गया, राइट ऑफ रिडम्पशन खत्म हो गया दैट मीन्स की अब मॉर्टगेज ही उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से यूज करेगा, ठीक है जी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपको इसको ध्यान में रखना कि सब लोग थ्री से इतनी सी बात कर रहे हैं, जब फाइनल डिग्री पास हो गई तो द मॉर्टगेजर की जो लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है जी, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होती है। अब रूल फोर क्या कह रहा है, अब रूल फोर में वर्ड लिखा है सेल के रिगार्डिंग, पहले हम फोरक्लोजर की बात कर रहे थे, ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री में फोरक्लोजर की बात कर रहे हैं, अब रूल फोर में बात कर रहे हैं प्रीम्प्ट डिग्री इन सूट फॉर सेल, अब फॉर सेल, सेल ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी, अब सेल करने का अधिकार किसके पास है, मॉर्टगेज के पास है, अगर वो मॉर्टगेज पेमेंट नहीं कर रहा तो दिस मॉर्टगेज हैज अ राइट कि वो कोर्ट में अप्लाई कर दे कि सर इसकी प्रॉपर्टी सेल करके मुझे मेरा पैसा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस कराया जाए, ठीक है जी, जो 5 लाख रुपीज है वो बेसिकली मॉर्टगेज मनी है, ठीक है, मॉर्टगेज मनी प्लस उस पर इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट मुझे दिलाई जाए और इसलिए उसकी जरूरत है कि उस प्रॉपर्टी को सेल करके, क्योंकि मॉर्टगेज इज नॉट विलिंग टू पे रिटर्न माई अर्निंग, तो इसलिए प्लीज इस प्रॉपर्टी को सेल कर दो और मुझे मेरा पैसा वापस दिला दो, तो दिस इज रूल नंबर फोर। अब रूल नंबर फोर से इतनी सी बात कर रहा है कि इन अ सूट फॉर सेल जो प्लेंटिफ कौन होगा, मॉर्टगेजी होगा, डिफेंडर कौन होगा, मॉर्टगेजर होगा, ठीक है जी, तो आप ध्यान में रखना कंसेप्ट, जब मैं बोलूंगा रिडम्पशन की बात तो राइट ऑफ रिडम्पशन किसका अधिकार है, मॉर्टगेजर का, तो प्लेंटिफ ये होगा डिफेंडर ये होगा, जब मैं फोरक्लोजर और सेल की बात कर रहा हूं तो प्लेंटिफ मॉर्टगेजी होगा और डिफेंडर मॉर्टगेजर होगा, ठीक है जी, ऑल ओके। अब रूल नंबर फोर से इतनी सी बात कर रहा है कि अगर सूट फाइल कर रहा है प्लेंटिफ, ठीक है जी, किसके लिए, सेल के लिए, और कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया, द प्लेंटिफ सक्सीड्स, कोर्ट में केस जीत गया, एंड द कोर्ट शैल पास अ प्रीलिमिनरी डिग्री टू द इफेक्ट मेंशन ए बी सी, कोर्ट जो है पहले प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगा, ठीक है जी, क्योंकि उसने फोरक्लोजर के अप्लाई नहीं किया, उसने डायरेक्ट सेल के लिए अप्लाई किया है, तो कोर्ट सबसे पहले प्रीलिमिनरी डिग्री करेगा पास एज पर जो हमने रूल टू किया है, कोर्ट उसको बोलेगा कि बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, कॉस्ट कितनी है, वो सारा देख के कोर्ट उसके रिगार्डिंग फिर उसको डायरेक्शन दे देगा मॉर्टगेजर को कि आप इतने टाइम में
उसका पैसा वापस कर दो, दिस इज द पेनमोर डिग्री। अगर वो पैसा वापस कर रहा है देन इट्स ऑल ओके। पैसा वापस करने के बाद मॉर्गेजर इज ड्यूटी बाउंड टू रिटर्न ऑल द डॉक्यूमेंट्स द पोजेशन, और इन केस वो रिट्रांसफर भी करेगा मॉर्गेजर को उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। इन केस अगर मॉर्गेजर नहीं दे रहा पैसा तो कोर्ट उस पर फाइनल डिग्री पास कर देगी एंड कोर्ट उसको डायरेक्शन दे देगी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेल की जाए एंड द प्रोसीड फॉर सेल, वर्ड लिखा है देयरफॉर बी सोल्ड एंड द प्रोसीड ऑफ सेल। अगर उसको प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसको सेल करने का जो पैसा इकट्ठा है वो कोर्ट में आप सबमिट कर दोगे और कोर्ट उस पैसे को अप्लाई करेगी इन मॉर्गेज को पेमेंट के लिए और जो बच गया वो मॉर्गेज को दे देंगे। अगर कम हो गया लाइक सपोज इसको टोटल पैसा चाहिए 5 लाख 1.5 लाख इंटरेस्ट, ठीक है 1000 कॉस्ट, ठीक है जी, तो ये हो गया टोटल 6,51,000, तो ये इसका अमाउंट है। अब ये अगर मॉर्गेजर पेमेंट कर रहा है तो उसकी सेल नहीं होगी क्योंकि वो प्रीलिमिनरी डिक्री है, फाइनल डिक्री हुई। अगर वो पैसा मॉर्गेजर नहीं पे कर रहा तो कोर्ट जो है वो सेल कर देगी उसकी प्रॉपर्टी, फाइनल डिक्री हो गए और सेल कर देगी, ऑर्डर सेल का हो गया। अब जो प्रोसीड हुई जो मतलब पैसा जो इकट्ठा हुआ उसको बेचने के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ, सपोज अगर 7 लाख पैसा इकट्ठा मिल गया हमें सेल करने के बाद 7 लाख हमें जो उसके पैसा मिल गया, अब 6,51,000 उसको दे देंगे, ठीक है जी। और जो सेल है सेल करने में ऑक्शन करने में जो खर्चा है कोर्ट उसको डिडक्ट करेगी और जो बच गया वो हम लोग मॉर्गेजर को वापस कर देंगे। अगर प्रॉपर्टी हुई सेल सिर्फ 5 लाख की तो डेफिनेटली अभी भी इसका ड्यू बाकी है, ठीक है। तो जो बेसिकली मॉर्गेज होगा वो फिर अप्लाई कर देगा कोर्ट को कि सर रिक्वेस्ट है कि उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करके मुझे मेरा पैसा वापस दिलाया जाए, ठीक है जी। तो ये है जी बेसिकली। तो सब रूल टू क्या कह रहा है, द कोर्ट मे ऑन गुड कॉज शोन। अब यहां पे क्या कि बेसिकली सेल के ऑर्डर दे रहा है, पहले प्रीलिमिनरी डिक्री होगी कि हम पहले बता दो कितना अमाउंट है कितना अमाउंट नहीं है वो हो गया। अब उसके बाद कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि पैसा पेमेंट कर दो वरना फाइनल डिग्री पास कर दूंगा। और फाइनल डिग्री करने से पहले सेल करने से पहले सेल के ऑर्डर करने से पहले अगर कोर्ट को लगता है कि मॉर्गेजर इज विलिंग टू रिटर्न ऑल द अमाउंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट तो कोर्ट उसको टाइम दे सकती है। तो कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्सटेंड द टाइम टाइम टू टाइम, वो उसका टाइम टू टाइम कोर्ट उसका टाइम पीरियड जो एक्सटेंड करते रहेगी 30 दिन 20 दिन 50 दिन 40 दिन एट द एंड अगर वो फिर भी नहीं माना तो कोर्ट सेल कर देगी, ठीक है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सब रूल थ्री क्या कह रहा है, रूल फोर का सब रूल थ्री इज फर्दर इंपॉर्टेंट। वहां पे वर्ड लिखा है पावर टू डिक्री सेल इन फोरक्लोजर सूट। अब यहां फोरक्लोजर सूट हुआ था हमारा रूल नंबर थ्री में, हमने रूल नंबर टू में फोरक्लोज की थी प्रॉपर्टी, अब फोरक्लोज करने के बाद भी कोर्ट उसको सेल कर सकती है, ठीक है। और वहां पे वर्ड लिखा है कि इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर, कोर्ट ने अपने सूट फाइल किया फोरक्लोजर का, कोर्ट को अगर लगता है कि ठीक है जी हम सेल ही कर देते हैं तो इन लियो ऑफ दैट फोरक्लोजर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसकी प्रॉपर्टी सेल की जाए, ठीक है। वहां पे वर्ड लिखा है स्पेशली पास अ लाइफ डिक्री, लाइफ डिक्री इन लियो ऑफ डिक्री फॉर फोरक्लोजर ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक फिट, इट इंक्लूड द डिपॉजिट इन द कोर्ट अ रीजनेबल सम fixed by the court to meet the expenses of the sale and to secure the performance of the terms. और court क्या कर रही है, आपने file किया court में suit foreclosure का, but court को लगता है ठीक है आप जरूरत नहीं है sale ही कर दो property. Court directly आपको sale के order सुना सकती है, लेकिन court आपको कह सकती है कि आप पहले जो है खर्चा पे करो। और mortgage जी को कहेगी, mortgage जो तो पहले वैसे ही नहीं दे रहा, तो मॉर्गेज को कहेगी भाई आप पहले अमाउंट डिपॉजिट करा दो, हमने ऑक्शन करवानी है अखबारों में जो करनी है उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी करना है सेल के रिगार्डिंग, तो उसमें जो खर्चा आएगा वो आप जमा करवा दो कोर्ट में, उसके बाद हम लोग सेल का ऑर्डर कर देंगे सेल हो जाएगी उसके बाद उसमें कॉस्ट में हम लोग इंक्लूड कर देंगे, नॉट वरी, ठीक है। तो दिस इज सब रूल थ्री ऑफ रूल फोर। अब सब रूल फोर क्या कह रहा है, सब रूल फोर क्या कह रहा है कि वेयर इन अ सूट फॉर सेल और सूट फॉर फोरक्लोजर, चाहे आपने सूट फाइल किया सेल के लिए चाहे मॉर्गेज ने सूट फाइल किया फोरक्लोजर के लिए, कोई भी कर सकते हैं, यू हैव अ राइट, दोनों राइट आप ही के पास हैं, ठीक है जी। द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस और द पर्सन ड्राइविंग द टाइटल और सबरोगेटेड टू द राइट्स ऑफ एनी सच मॉर्गेजी आर जॉइंड एज पार्टी, मीन किसी भी पर्सन को जो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है जिसका, उसको आपने पार्टी बना लिया, चाहे वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है चाहे वो अदरवाइज है, अगर आपने उसको पार्टी बना दिया तो कोर्ट जो है बेसिकली उसकी जो इंटरेस्ट है उनके राइट्स है उनके लायबिलिटीज हमेशा ध्यान में रखेगी।
अगर ये पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसने भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो लॉ कहता है कि बेसिकली सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज ही है, उस प्रॉपर्टी को बाद में फिर मॉर्टगेज कर दिया, उसे पैसे ले लिए, फर्दर मॉर्टगेज कर दिया, हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी को तीन चार जगह उस पे उसने मॉर्टगेज की हो और जगह जगह से पैसे लिए हो, तो लॉ कहता है कि दूसरे पर्सन पार्टी बन गए, दूसरी मॉर्टगेज पार्टी बन गई, तो सभी के राइट्स और सभी की लायबिलिटीज हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको एडजुडिकेट करके फाइनल डिग्री पास करें। ठीक है जी, तो ये काफी इंपॉर्टेंस है आपके लिए, रूल नंबर 4। देन वी हैव अ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 से फिर इसी बात कर रहे, फाइनल डिग्री इन सूट फॉर सेल। आपने सेल के लिए अप्लाई कर दिया, कोर्ट ने फाइनल डिग्री सुना देनी है। अब कोर्ट जो है, लेकिन कोर्ट सेल करने से पहले, कोर्ट फाइनल ऑर्डर मींस फाइनल डिग्री देने से पहले कोर्ट हमेशा स्टिल आपको टाइम देगी। कोर्ट कहेगी कि मैं कंफर्म कर रही हूं सेल, अगर कंफर्म करने से पहले आप पैसा जमा करा दोगे तो मैं सेल कैंसिल कर दूंगी, अगर नहीं किया तो मैं उसको कंफर्म कर दूंगी और सेल ऑटोमेटिकली बात खत्म हो जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर सपोज ये 3 acre लैंड ऑक्शन में सेल गई, क्योंकि डिग्री तो हमने पहले हो गई, सेल जो फाइनल डिग्री वो पास हो गई, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में सेल कर दिया। ठीक है जी, सेल करने के बाद स्टिल मॉर्टगेजर हैज अ राइट, जब तक कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करती, हमने एग्जीक्यूशन में किया था, जब हमने मॉर्टगेज सॉरी इमोट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन करनी है, तो वहां पे हमने किया था कि बेसिकली इमोट प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन में ऑक्शन पे हम लोग सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद जो परचेजर ने परचेज कर ली बिड देके, हाईएस्ट बिड देके, वो परचेजर है, स्टिल वो मालिक नहीं है, ही इज नॉट एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर लेती। तो 2 months का टाइम होता है, 60 days का। ठीक है, अगर वो विद इन दैट 60 days अगर मॉर्टगेजर पेमेंट कर रहा है तो कोर्ट वो जो सेल है उसको कंफर्म कभी नहीं करती। बट इन केस स्टिल जो मॉर्टगेज उसको पैसा नहीं दे रहा, कोर्ट फाइनली उसको कंफर्म कर देगी, एंड दैट परचेजर, जो परचेजर होगा जिसने ऑक्शन में खरीदी है, ही बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर विद इन दैट पीरियड मॉर्टगेजर ने कोर्ट में पैसा जमा कर दिया, कौन सा पैसा, जो मॉर्टगेजी को देना था, कोर्ट कहता है कि भाई मॉर्टगेजर को, मॉर्टगेज को जितना पैसा है वो तो आप जमा करोगे करोगे, प्लस जो सेल में जिस पर्सन ने, बंदे ने परचेज की है, अब उसका भी तो लॉस हुआ है ना, क्योंकि ऑक्शन हुई है, ऑक्शन में किसी बंदे ने परचेज कर लिया, ही बिकम द परचेजर, क्योंकि सेल तो होगी वो प्रॉपर्टी। अब वो परचेजर को उसका जो अमाउंट को उसने जो पेमेंट किया है उसका 5% इंटरेस्ट उस परचेजर को भी दो, ताकि उसको हम लोग कंपनसेट कर सके। 5% ऑफ द टोटल अमाउंट जो परचेजर ने पे किया है वो परचेजर को दे दो, प्लस मॉर्टगेजी को उसका सारा पैसा वापस कर दो, तो जो है कोर्ट बेसिकली सेल वो कैंसिल कर देगी, एंड सेल कैंसिल होने के बाद मॉर्टगेजी को डायरेक्शन दे देगी कि वो सारे डॉक्यूमेंट मॉर्टगेजर को दे दे, प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्टगेजर को दे दो, या अगर वो मालिक का मॉर्टगेजी बन गया, लाइक इनकेस ऑफ कंडीशनल सेल, कोर्ट मॉर्टगेजी को कैसे कर देगी, उसको रीट्रांसफर कर दो मॉर्टगेजर के नाम पे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो ट्रांसफर करने के वो सारे ऑर्डर दे सकती है। सबमिट टूल क्या कह रहा है कि विद अ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पार्ट थेरऑफ हैज बीन सोल्ड, अगर पैसा हमने सोल्ड कर दिया, प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, द कोर्ट शैल नॉट पास एन ऑर्डर अनलेस द डिफेंडेंट इन एडिशन टू द अमाउंट, हमने पहले कहा कि बेसिकली देखो ये तो मॉर्टगेज का पैसा देना देना है, इन पैसे के अलावा भी जो मॉर्टगेज है जिसने ऑक्शन में परचेज किया उसका 5% जो है उसको पे करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करते परचेसर को, तब तक बेसिकली कोर्ट जो है वो सेल को बंद नहीं करेगी, सेट साइड नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। अब 6 रूल क्या कह रहा है, 6 रूल क्या कह रहा है कि रिकवरी ऑफ बैलेंस ऑन मॉर्टगेज इन सूट फॉर सेल। अब यहां पे सपोज 651,000 जो है वो मॉर्टगेज ने पैसा लेना है मॉर्टगेजर से। ठीक है जी, अब जो प्रॉपर्टी जो सेल हुई है, 3 acre लैंड सेल करने के बाद पैसा हमारे पास कितना इकट्ठा हुआ सेल करने के बाद, 5 lakh, और उसको कितना चाहिए, 6,51,000, दैट मींस अभी भी मॉर्टगेज को कितना अमाउंट ड्यू है, 1,51,000। तो कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करेगा मॉर्टगेजी कि जो है बेसिकली मेरा 1,51,000 भी मॉर्टगेजर से रिकवर किया जाए, उसकी फर्दर और प्रॉपर्टी जो है उसको सेल करके। तो वहां पे 6 रूल में क्या है कि विद नेट प्रोसीड ऑफ एनी सेल आर फाउंड इनसफिशियंट टू पे द अमाउंट, द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन कौन करेगा, मॉर्टगेजी करेगा, पेनल्टी करेगा। तो मॉर्टगेजी की एप्लीकेशन पे जो मॉर्टगेजर की दूसरी प्रॉपर्टी है उसको भी सेल किया जा सकता है, और उसके जो बाकी बचे जो ड्यू अमाउंट है 1,51,000 उसको हम लोग दिलाएंगे वापस।
ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंस हमारे जो है इसको आप ध्यान में रखना, इन केस यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज आप पूछ लेना, ठीक है जी। इस लेक्चर में सिर्फ हमने 6 रूल्स किए हैं, जो उसको फर्दर जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्राई करेंगे कि जो सारे बाकी के जो बाकी रिमेनिंग सेक्शन रूल्स हैं वो हम लोग कवर करें। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप पूछ लेना, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स जो व्यूअर्स हैं, ठीक है जी, और प्लीज शेयर कर दिया करो, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।